हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 11 मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो ओपन करिए। पेन ले लीजिए हाथ में और जैसे जैसे मैं आपको आंसर्स बताती हूँ, इजी एक्सप्लेनेशंस करती हूँ, समझिए और आंसर्स लिखिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर। वोकैबुलरी V1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इस वर्ड्स को इस फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। वंस वी विजिटेड द नेचुरल पार्क वी वर स्टंड व्हेन वी लुक अ व्यू पैनोरामिक नेचर। पैनोरामिक मतलब एक बहुत ही सुंदर दृश्य प्रकृति का। स्टंड मतलब आश्चर्यचकित रह गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट में स्टंड, सेकंड में पैनोरामिक, इट वाज रियली एनचेंटिंग। ये बहुत ही चौंका देने वाला था, बहुत ही खुश कर देने वाला था। एनचेंटिंग मतलब बहुत ही जो अपने को सुकून दे, ऐसी वस्तु। द फ्लावर्स वर सो एल्यूरिंग दैट वी कांट अवॉइड टचिंग। एल्यूरिंग मतलब बहुत ही खूबसूरत। फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत थे कि हम उन्हें टच किए बिना रह ही नहीं सकते थे। इट हैज़ अ मिरेकुलस। मिरेकुलस मतलब जादू वाला इफेक्ट ऑन मी दैट आई रॉट अ ट्रैवलॉग ऑन इट। ट्रैवलॉग का मतलब होता है जो हम कहीं घूमने जाते हैं उसके बारे में लिखते हैं, उसे बोलते हैं ट्रैवलॉग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर V1। फिर है क्वेश्चन नंबर V2। हेयर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, फाइंड आउट द सेंटेंसेज इन विच दे आर यूज एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स। फर्स्ट वाइब्रेंट, स्प्लेंडिंग, एल्यूरिंग, एंजेंटिंग, मेरेकुलस, डाइवर्सिटी एंड मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट फर्स्ट है वाइब्रेंट, जिसको बोलेंगे हम लाइवली। इट इज़ अ वाइब्रेंट एंड स्प्लेंडिड नेशनल पार्क। वाइब्रेंट मतलब जीवंत, स्प्लेंडिड का मतलब होता है फाइन। इट इज़ अ वाइब्रेंट एंड स्प्लेंडिड नेशनल पार्क। ये वर्ड्स में इनको कन्वर्ट किया गया है, सेंटेंस बनाए गए हैं इनके ऊपर। फिर है एल्यूरिंग, अट्रैक्टिव। एल्यूरिंग का मतलब होता है जो हमें अट्रैक्ट करे। दिस एल्यूरिंग प्लेस इज़ नोन एज द वैली ऑफ फ्लावर। इस एल्यूरिंग प्लेस को जो हमें अट्रैक्ट करती है, इस प्लेस को वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। एनचेंटिंग, एनचेंटिंग का मतलब होता है कैप्टिवेटिंग या अट्रैक्टिव। सेम जो यहाँ पे है एल्यूरिंग का मतलब वही है एनचेंटिंग, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर हम वर्णन कर सके, जिसके ऊपर हम लिख सके। राइटर एंड पोएट्स हैव रिटन एसेज, ट्रेवलॉग एंड पोएम ऑन द एनचेंटिंग ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। फिर है मिरेकुलस, अमेजिंग। दे प्रिस्क्राइब संजीवनी, अ मिरेकुलस मेडिसिनल प्लांट फाउंड ओनली द हिमालयस। मिरेकुलस का मतलब जो हमें चौंका दे, अमेजिंग, स्पेशल। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, मतलब प्रकार। इट इज़ डिजाइनेटेड एज अ सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ग्रांड, मतलब बहुत बड़ा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ एक्सप्लोर। फिर है कॉम्प्रेंशन, ये देखिए, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। द VF मीन्स वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल हेरिटेज पार्क। आंसर फॉल्स। द वैली ऑफ फ्लावर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर द बॉटेनिस्ट। ट्रू, तो ट्रू बॉटेनिस्ट इसका आंसर होगा ट्रू। थर्ड, हनुमान बॉट संजीवनी प्लांट फ्रॉम द VF ट्रू। द गोविंद घाट इज द गेटवे ऑफ VF ट्रू। द रिवर पुष्पावती इज 6 किलोमीटर लॉन्ग ट्रू। वी कैन सी द स्नो लियोपार्ड एंड द स्नो पिजन इन द वैली ऑफ फ्लावर, देन इट इज ट्रू। द प्लांट एंड द फ्लावर इज द नेशनल वैली ऑफ फ्लावर आर जस्ट फॉर ब्यूटी फॉल्स। दिवाली वेकेशन इज अ सुटेबल टाइम फॉर ट्रैकिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर, तो फॉल्स। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये आपको टेबल दी गई है,
जो आपको पूरी करनी है। वेलकम टू द वेले ऑफ फ्लावर, ऑफिशियल नेम क्या है इसका आप देखिए, इसमें से अपनी टेक्स्ट बुक में या एक नोटबुक लेके बैठे तो उसमें उतार दीजिए। ऑफिशियल नेम है नंदा देवी एंड वैले ऑफ पॉवर्स नेशनल पार्क। सेकंड है लोकेशन, लोकेशन लिखिए इसका, नियर घघरिया टाउन चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। फिर है एरिया पूछा गया है, एरिया लिखिए 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है इम्पोर्टेंट डेट्स, इसमें तीन इम्पोर्टेंट डेट्स हैं 1931, 1982 और 1988। 1931 एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाई थ्री ब्रिटिश माउंटेनियर्स, 1982 डिक्लेयर एज अ नेशनल पार्क और 1988 इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो वेले ऑफ फ्लावर है इसके लिए तीन जो ईयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1931 में इसको फाउंड किया गया था, 1982 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और 1988 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। फिर इसमें फ्लावर्स के बारे में बताना है हमें, तो देखिए हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो उसमें फ्लावर्स के नाम पढ़े थे, वो फ्लावर्स के नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं। मैग्नोलिया फान, ब्रह्म कमल, सनफ्लावर, वज्रदंती, अजवाइन, ब्लू पॉपीज, कनफुलिया, सलाम पंजा, बंसा, बालसम, बारीती, हल्दी फूल, माओ ल्यूपर्ड, ग्रे लंगूर्स, हिमालय ब्लैक बियर, रेड फॉक्सेस, हिमालय बीसल्स, केडियर, गोरल, सॉरी बेटा ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स के नेम हैं, आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है मंगोलिया फॉन से लेकर के हल्दी फूल तक। फिर है वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ में आएगा यहाँ से माओ लियोपार्ड, ग्रे लंगूर, हिमालय, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, पर आप इंक्लूड मत करिएगा, आपको सिर्फ हल्दी फूल तक फ्लावर्स के अंदर लिखना है। फिर लाइफ, वाइल्ड लाइफ के अंदर आपको माओ लियोपार्ड से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, माओ लियोपार्ड, ग्रे लंगूर, हिमालय ब्लैक बियर, रेड फॉक्सेज, हिमालय विसल्स, के डियर, गोरल्स, थार्स, बारल्स और ब्लू शिप, फ्लाइंग स्क्वायरल्स, हिमालय वॉल्स, येलो एंड रेड बिल्ड कॉक्स, कॉकलास, फिसेंट्स, मोनल फिसेंट्स, येलो नैप वुडपिकर, ब्लू थॉटेड बारबेट्स एंड स्नो पिजन एंड रेप्टाइल बटरफ्लाई एंड अदर इंसेक्ट, नाउ लियोपार्ड, ग्रे लंगूर, हिमालय ब्लैक बियर एंड फोज, हिमल मस्क डियर, गोरल्स, थार, बारल्स और ब्लू शिप, डाइंग वल्चर्स, येलो एंड रेड बिल्ड कॉक्स, कॉकलास एंड वॉज एलियन येलो नैप वुडपिकर, ब्लू थॉट बारबेट एंड बटरफ्लाई एंड अदर इंसेक्ट। फिर है कि हम कौन से महीने में यहाँ पे घूमने जा सकते हैं, मंथ फोर विजिट, जुलाई अगस्त एंड सितंबर, तो मंथ के नेम आएंगे जुलाई अगस्त एंड सितंबर। फिर है मेजर अट्रैक्शंस, हिमालय वल्चर्स, येलो एंड रेड बिल्ड कॉक्स, कॉकलाक्स, पिजेंट्स, मोनल फिजेंट्स, येलो नैप वुडपेकर, ब्लू थ्रॉटेड बारबेट्स एंड स्नो पिजन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश हो जाता है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, सी थ्री आंसर दिस क्वेश्चन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, इसका फिर आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द ब्यूटी ऑफ वेले ऑफ फ्लावर कॉल्ड ड्रीम लाइक, उसको ड्रीम लाइक क्यों कहा गया है वेले ऑफ फ्लावर की ब्यूटी को। ही ब्यूटी ऑफ द वैली ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ड्रीम लाइक बिकॉज द एमराल्ड माउंटेन्स, ग्रीन मीडोज, वाइट क्लाउड्स एंड कलरफुल पैचेस ऑफ फ्लावर्स क्रिएट अ पैनोरामिक व्यू। व्हाट टेम्प्ट्स फोटोग्राफर्स टू वी एफ, इसमें पूछा है कि फोटोग्राफर्स वी ए वैली ऑफ फ्लावर, मतलब वैली ऑफ फ्लावर में जो फोटोग्राफर्स को क्यों अटैक करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं बताइए आप। द होज वेराइटी ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स दैट मेक द वैले कलरफुल अट्रैक्ट फोटोग्राफर्स टू द वैले ऑफ फ्लावर। वैले ऑफ फ्लावर
में फ्लावर्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि ये सभी फोटोग्राफर्स को टैम्प करती है, अट्रैक्ट करती है। टैम्प का मतलब होता है ललचाती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रीच द वैली फ्रॉम अहमदाबाद? वुड टेक ट्रेन टू ऋषिकेश। फ्रॉम देयर आई वुड गो अप टू गोविंद घाट बाई रोड। द ट्रैक ऑफ द वैली ऑफ फ्लावर स्टार्ट फ्रॉम गोविंद घाट। वैली ऑफ फ्लावर की जो ट्रेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है, गोविंद घाट से। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज़ द कनेक्शन बिटवीन द वैली ऑफ फ्लावर एंड द रामायण। हमने रामायण और उसमें कनेक्शन पढ़ा था कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया था तो हनुमान जी कहाँ से संजीवनी बूटी लाए थे, तो हनुमान जी वैली ऑफ फ्लावर से संजीवनी बूटी लेकर आए थे। इट इज़ सेड दैट व्हेन लक्ष्मण बिकेम अनकॉन्शियस इन द बैटल विद द रावण, राम कॉल्ड द अश्विन कुमार द हेवनली हीलर्स। दे प्रिस्क्राइब संजीवनी मोक्यू प्लांट राउंड ओनली द हिमालयाज, दैट प्लेस वॉज द वैली ऑफ फ्लावर। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द वैली ऑफ फ्लावर गेट इट्स नेम? इसको नाम कैसे मिला, तो सुनिए आप। इन 1031 थ्री ब्रिटिश माउंटेनियर एक्सीडेंटली रीच्ड द ब्यूटिफुल वैली। दे वर स्टंट बाई द वैरायटी एंड कलर ऑफ फ्लावर, सो दे नेम्ड इट वैली ऑफ फ्लावर। यहाँ पे इतने सारे फूलों को देख करके उन माउंटेनियर्स ने इसको नाम दे दिया वैली ऑफ फ्लावर। फिर सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई आर प्लांट एंड फ्लावर्स इन द वैली ऑफ फ्लावर इम्पोर्टेंट? प्लांट और फ्लावर यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आंसर है, मैनी ऑफ द प्लांट एंड फ्लावर्स इन द वैली ऑफ फ्लावर आर रेयर एंड एंडर्स्ड। देयर आर मैनी मेडिसिनल प्लांट टू, सो दे आर इम्पोर्टेंट इन वैली ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रेजेज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर। अब आपको इस बुक में से जो इसकी ब्यूटी के लिए वर्ड्स यूज़ किए गए वो फाइंड करने और आंसर में लिखने हैं। मैं आपको फाइंड करके बता देती हूँ, पर जो ये वर्ड्स बता रही हूँ वो आपको वापस अपनी बुक में अंडरलाइन करने हैं। फर्स्ट, एमरल्ड माउंटेन, ग्रीन मीडो, व्हाइट क्लाउड एंड कलरफुल पैचेस ऑफ फ्लावर क्रिएट अ पैनोरामिक व्यू। सेकेंड, ड्यू ड्रॉप ऑन फ्लावर्स, द रिमिस्टिक साउंड ऑफ वाटर, रिच फ्लोरा एंड फौना एंड डिलाइटफुल ब्रीज ऑफ कूल एयर आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे हमारा C3 ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस। का L1। रीड द कन्वर्जेशन गिवन ब्लो। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू अहमदाबाद। वाई आर यू गोइंग? आई हैव अ फंक्शन टू अटेंडेंट अहमदाबाद। वैन आर यू गोइंग? टुमारो मॉर्निंग है ना। हाउ हैव यू प्लान टू गो देयर बाई ट्रेन? इसमें जगह का नाम पूछा है इसलिए ट्रेन बता देंगे। वैन मतलब समय, तो समय पूछा है। एंड वैन विल यू बैक? अ डे आफ्टर टुमारो, बट वाई आर यू इंक्वायरिंग सो मच? आप इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? तो एक्चुअली आई नीड योर बाइक। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स बताए गए हैं, वेयर मतलब कहाँ, वाई मीन्स क्यों, वैन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वैन मीन्स कब और वाई मीन्स क्यों। अब कन्वर्जेशन टू है, ए हेलो, बी हाय। फिर से इसमें वही है जो क्वेश्चन वर्ड्स बताए गए हैं, वो आप पढ़िए आपकी बुक में से। फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कंप्लीट द कन्वर्जेशन यूजिंग योर इमेजिनेशन। आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके इसका जो कन्वर्जेशन है इसको पूरा करना है। अब ए, हाय व्हाट आर यू डूइंग? तो बी क्या आंसर? हाय नथिंग स्पेशल, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट एग्ज़ाम। फिर बी, थिंकिंग अबाउट एग्ज़ाम। ए, व्हेन इज़ इट? When is it? तो B बोलेगा from the next week most probably। फिर A, okay by the way what is the assignment given in maths? Maths में हमें क्या assignment मिला है? फिर B बोलेगा to memorize the exam date। फिर A बोलेगा what, क्या? तो I am just kidding।
आई एम जस्ट किडिंग। अब हम पढ़ेंगे, ये देखिए ये आपकी बुक में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। फिर इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं L2। लैंग्वेज प्रैक्टिस का L1 हमने कर लिया है, अब हम करेंगे L2। पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट क्वेश्चन। वेयर इज ही गोइंग या वेयर इज गोइंग ही, तो इसमें आंसर राइट होगा सेकेंड वाला, वेयर इज गोइंग ही। फिर नेक्स्ट में है व्हाई वरीड आर यू, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई आर यू वरीड, तो इसका राइट होगा व्हाई आर यू वरीड। व्हेन यू आर गोइंग टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, और व्हेन आर गोइंग टू पे यू द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन दोनों में से राइट कौन सा है। तो कभी भी जो सब्जेक्ट होता है ना वो क्वेश्चन के साथ में नहीं आता है, जैसे यहाँ पे व्हेन है तो व्हेन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, यहाँ पे वेयर है तो इसके साथ इज आएगा फर्स्ट में, सेकंड में वेयर है तो इसके साथ आर आएगा, फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा, इसमें व्हेन है तो इसके साथ आर आएगा, फिर बाद में गोइंग टू पे यू द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वाला होगा हमारा राइट, सेकंड वाला। फिर देखिए अब आप खुद बताइए विच वन इज योर साइकिल, विच वन योर साइकिल इज, तो राइट कौन सा होगा फर्स्ट वाला, विच वन इज योर साइकिल। फिर वाई यू लुक सो एंग्जियस, वाई डू यू लुक सो एंग्जियस, वाई सो मच एंग्जियस यू लुक, तो इसमें आंसर राइट होगा सेकेंड वाला, वाई डू यू लुक सो एंग्जियस। फिर देखिए L3 है, फ्रेम WH क्वेश्चन एज शोन इन द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया गया है वेन आई यू आई गो टू स्कूल, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेन डू यू गो टू स्कूल, वेन यू गो टू स्कूल, ये आपको स्लैश करके दिया गया है, वेन स्लैश यू स्लैश गो टू स्कूल, वेन डू यू गो टू स्कूल पूरा बनेगा। तो देखिए नीचे फर्स्ट में है वॉट स्लैश यू स्लैश डू, तो वॉट डू यू डू, थर्ड में बनेगा वेयर डू यू लीव, थर्ड में बनेगा वेयर डज राजेश कम फ्रॉम, फोर्थ का आंसर होगा वैन डू यू गो टू बेड, फिफ्थ का आंसर होगा वैन डज राजेश कम बैक होम, सिक्स का आंसर होगा हाउ ऑफन डज ही गो फॉर मूवी। ये हो गया हमारा L3 कंप्लीट, नो मे बी वन या टू क्वेश्चन आर लेफ्ट, यस 7। हाउ ऑफन स्लैश ही स्लैश स्टडी इंग्लिश, तो इसमें क्या आ जाएगा हाउ ऑफन डज ही स्टडी इंग्लिश, फिर 8 में आएगा वाई स्लैश ही स्लैश सीम वरीड, तो वाई डज ही सीम सो वरीड, ये बन गया। इसमें सिर्फ आपको एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है, जहाँ पे डू यूज़ होगा वहाँ डू यू लिखना है, जहाँ पे डज यूज़ होगा वहाँ पे डज लिखना है, डज कहाँ यूज़ होता है ही शी इट, और एक नाम के साथ डज यूज़ होता है, और आई वी यू दे, और दो से ज़्यादा नाम हो, दो या दो से ज़्यादा नाम, तो उनके साथ में हमेशा डू यूज़ होता है। आप दोबारा फाइंड कर लीजिए, ये देखिए यू है तो यू के साथ में डू लिखा है, ये देखिए यहाँ पे यू है तो यू के साथ में डू लिखा है, राजेश एक अकेला नाम है तो डज, यू है तो डू, राजेश अकेला नाम है तो डज, यहाँ पे देखिए ही अकेला है तो डज, यहाँ देखिए ही अकेला है तो डज, ही है तो डज, इस तरीके से हमें इसमें क्वेश्चन बनाने हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वुड यू से इन दीज सिचुएशन, इन सिचुएशंस में आप क्या करेंगे, यू वॉन्ट टू नो द नंबर ऑफ हॉलीडेज इन द करेंट मंथ, आस्क यू योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि आपको इस मंथ की हॉलीडेज के बारे में पता है, हाउ मैनी हॉलीडेज डू हैव थिन मंथ, यू आर लुकिंग फॉर योर फ्रेंड एट द थिएटर, एट लास्ट यू मेक अ कॉल एंड टास्क आस्क हिम अबाउट हिज लोकेशन, तो वेयर आर यू सिटिंग और इन विच रो आर यू सिटिंग, ये हम पूछ सकते हैं। फिर है यू हैव फॉरगॉटन द डेट ऑफ योर एग्ज़ाम, तो इसका क्या होगा आस्क योर फ्रेंड व्हेन डू योर एग्ज़ाम बिगिन, आपको सिचुएशंस बतानी है और कुछ भी नहीं है। वेयर हैव यू पार्क्ड माई बाइसाइकल, ये आंसर है इसका यू हैड गिवन योर बाइसाइकल टू योर फ्रेंड एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर इट इन पार्किंग आस्क हिम अबाउट इट, तो क्या पूछोगे वेयर हैव यू पार्क्ड माई बाइसाइकल।
यू वॉन्ट टू नो वेयर योर टीचर इज, आस्क योर फ्रेंड वेयर इज अवर टीचर। अब हम पढ़ेंगे L5 के बारे में। ये देखिए आपको यहाँ पे अ पॉपुलर होस्ट ऑफ अ क्विज प्रोग्राम अमिताभ इज आंसरिंग द क्वेश्चंस फिल इन द गैप्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मनी, व्हाट, व्हाट, व्हाट काइंड, व्हेन, वेयर, हु। अब जहाँ पे जगह का नाम होगा वहाँ पे वेयर आ जाएगा, जहाँ पे एंटोमोलॉजी मतलब किसी चीज़ का नाम होगा वहाँ व्हाट आ जाएगा, जहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम होगा वहाँ पे हु आ जाएगा। तो देखिए हम ये करते हैं, यहाँ पे जगह का नाम है इन आसाम दिया हो गया है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर क्वेश्चन में। यहाँ पे वस्तु का नाम दिया गया एंटोमोलॉजी, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट। गैलीलियो मतलब किसी इंसान का नाम है, तो इसके लिए क्वेश्चन में लगेगा हु। इन 1757 समय दिया गया है, तो इसके लिए लगेगा हमेशा व्हेन। जब भी किसी भी चीज़ की हाउ लॉन्ग 40 मिनट्स लंबाई हमारे पास फिक्स हो तो उसको लिखेंगे हाउ लॉन्ग। एवरी 4 ईयर जब फिक्स ना हो और समय तो वहाँ लिखेंगे हाउ ऑफन क्वेश्चन में। फिर ब्रियन लारा तो यहाँ पे आ जाएगा विच, बांगरा तो विच, और सोशल तो हु, और 30 EMS तो हाउ मेनी। इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड्स हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर राइट अ पैराग्राफ ऑन द नेचुरल प्लेस आई लाइक मोस्ट, फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। हमें यहाँ पे पॉइंट दिए गए, जगह बतानी है, आप वहाँ कैसे कैसे पहुँचे ये बताने हैं, वहाँ के मेजर अट्रैक्शंस बताने हैं, रीज़न फॉर योर लाइकिंग, आपको जो चीज़ पसंद आई क्यों पसंद आई उसका कारण बताना है, आपकी मेमोरीज बतानी है उस प्लेस की। तो देखिए ये हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए पैराग्राफ, आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा। हिंगोलगढ़ सेंचुरी इज़ अ नेशनल प्लेस आई लाइक द मोस्ट। आप इसकी जगह और भी कोई सेंचुरी का नाम लिख सकते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन जसदन तालुका ऑफ राजकोट डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ जस्ट 180 किलोमीटर अवे फ्रॉम अहमदाबाद। मॉनसून एंड विंटर आर द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस ब्यूटिफुल प्लेस। हमने सीजन लिख दिया, कहाँ पे स्थित है ये लिख दिया, अहमदाबाद से कितना किलोमीटर दूर है ये लिख दिया। ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ पूरा। फिर देखो इसमें क्या पूछा है, हाउ टू रीच देयर, अब वहाँ कैसे पहुँचे उसके बारे में बताएंगे। आई विजिटेड दिस सेंचुरी ड्यूरिंग द दिवाली हॉलीडेज। इट हैज़ अ लार्ज फॉरेस्ट एरिया विद अ वेराइटी ऑफ ट्रीज लाइक गोराड, विकालो, भावल एंड गूगल। द एरिया इज हिली एंड रॉकी। द सेंचुरीज गेट फुल ऑफ लाइफ ड्यूरिंग रेनी सीजन विद ब्यूटिफुल शेड ऑफ ग्रीन कलर ऑल अराउंड एंड द एरिया बजिंग विद लाइफ। बच्चों ये जो पैराग्राफ्स होते हैं, जो एसेज होते हैं, जो पैराग्राफ राइटिंग, ये आपको लर्न करनी चाहिए, और इसकी जो वोकेबलरी है वो भी आपको लर्न करनी चाहिए, ताकि सिर्फ एक ही पैराग्राफ नहीं, एग्ज़ाम में जब कोई भी पैराग्राफ आए तो आप उसे बना सको। आपको जो पॉइंट्स दिए जाते हैं उसको आपको बढ़ाना आना चाहिए। जैसे आपको एनिमल के नेम पूछे, वैरायटी पूछी, तो जितनी आपको याद है वो सारी वैरायटी लिख दो। प्लेस का नाम पूछा तो प्लेस कहाँ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, कैसे जाते हैं, वो सब आप उसमें लिखिए। आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने आने चाहिए। जब तक आप इन पैराग्राफ को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपको ये चीज़ नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ समझा रही हूँ। फिर देखिए यू कैन सी एनिमल लाइक, ये वैरायटी के बारे में आ गया। अब देखो चिंकारा, नीलगाय, इंडियन पोर्सुपाइन, इंडियन हेयर, मॉन्गूज, वॉल्फ, हाइना, जैकल एक्सेट्रा। देयर आर 230 स्पीसीज ऑफ बर्ड। द होल सेंचुरी इज फिल्ड विद द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। देयर आर बुलबुल एंड वेवर बर्ड ऑल्सो। देयर आर 19 स्पीसीज ऑफ स्नैक्स ऑफ विच 3 आर वेनोमस एंड 16 नॉन वेनोमस, मतलब 3 तो जहरीली और 16 जहरीली नहीं थी। इन फैक्ट देयर इज ए स्नैक हाउस एंड अ कैक्टी हाउस टू, यहाँ पे एक स्नैक हाउस भी था और एक कैक्टी हाउस भी था। इसमें वेराइटी आ गई एनिमल्स की, आपने क्या क्या देखा वो आ गया। द एरिया वॉज डिक्लेयर एज अ प्राइवेट फॉरेस्ट इन 1973। आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं। जैसे आप वैली ऑफ फ्लावर के बारे में भी लिख सकते हैं, अभी जो आपने पढ़ा है कि वो कौन से ईयर में उसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था, कौन से ईयर में उसको
फाइंड किया गया था, ये सब कुछ आप लिख सकते हो जो मैंने आपको अभी इसमें बताया है। आई लर्न अ लॉट अबाउट नेचर, इकोलॉजी, बर्ड एंड एनिमल, हिल स्लोप, सोयल एंड सोयल इरोजन, सोयल डेप्थ एक्सेट्रा। द सेंचुरी इज पॉपुलरली नोन एज हिंगोलगढ़ नेचुरल एजुकेशन सेंचुरी, एज नेचर एजुकेशन इज वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स मैनेजमेंट। ये चीज़ें आपको बेटा लिखनी आनी चाहिए। फिर पूछा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इंसिस्टिंग ऑन विजिटिंग द वेल ऑफ फ्लावर, यूज डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट एंड सी टू। ये आप कर लीजिएगा बेटा। ये देखिए आपकी लेटर है, आपके फ्रेंड का एड्रेस है। हाउ आर यू, हाउ वॉज योर समर वेकेशन, हम समर वेकेशन के बारे में पूछेंगे। आई एम राइटिंग द लेमर टू टेल यू अबाउट माई विजिट टू द वेले ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज। फिर हमने इसमें जो सी टू में जो क्वेश्चन पढ़ा था, ये देखिए, हाँ, इसमें ऑफिशियल नेम, लोकेशन, एरिया, इंपॉर्टेंट डेट, फ्लावर, वाइल्ड लाइफ, मंथ, ये सब हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे। सी टू फाइंड करिए आप, उसमें जो लिखा वही सब इसमें डिस्क्राइब करना है लेटर में। फिर नीचे अपना नाम लिख देना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, प्लान अ वन डे पिकनिक टू अ नियर बाय प्लेस, वर्क इन अ ग्रुप ऑफ फोर, डिस्कस विद योर ग्रुप मेंबर एंड राइट द प्लानिंग इन अ डायलॉग फॉर्म। यू कैन बिगिन लाइक दिस। इस तरीके से आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए अपने फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए, ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, निसर्ग, कंदर्प, निसर्ग और हॉल। इसके साथ ही बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर के जो एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम अदर्स चैप्टर की एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझा सके, आपको पढ़ा सके। और बेटा, ये जो पैराग्राफ राइटिंग होती है, ये हमारे अपने आप में इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप जितनी कोशिश हो, कोई भी चीज़ लाइव देख करके उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। आप रोज़ की दो दो लाइन भी अगर लिखते हो तो आपको कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करनी आ जाएगी। अभी भी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, आप एक कोई पिक्चर ले कर के, चाहे अपना रूम लो, चाहे आप नेचर लो, चाहे स्कूल लो, या फिर कोई विजिट ले लो, कोई एक्सीडेंट ले लो, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करिए, तो आपकी पैराग्राफ राइटिंग डेवलप हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जैसा कहा है आप करेंगे, और आपके जो पैराग्राफ राइटिंग की जो स्किल है उसमें आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके, इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए सी यू।